इसलिए दोस्तों सभी लोग जल्द से जल्द लाइव हो जाइए और सभी अपने दोस्तों सूचित कर दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। सभी लोग जल्द से जल्द लाइव हो जाइए। सुरक्षित होंगे और दूसरों को भी आप सुरक्षित रखने का प्रयास करें। जैसा कि आपको पता है संडे है और संडे को स्पेशल क्लास आप लोग की एज रिलेशन की लगी हुई है आयु संबंध, तो सभी लोग अपने सभी मित्रों को अपने साथियों छोटे बड़े भाइयों को आप सूचित कर दें कि मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि 9 बजे से आपकी क्लास थी, थोड़ा लेट है क्लास आज, तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक बार आप दमदार तरीके से शेयर कर दें जिससे कि आपको जो भी साथी है उनको भी ये सूचना मिल सके कि मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उनको भी इसका लाभ मिल सके। एज रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है कि जो कि कह सकते हैं आपकी 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बहुत ही कह सकते हैं मज़ेदार चैप्टर है ये और बहुत ही इंटरेस्टेड है एज रिलेशन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊँगा, बहुत ही स्लो हम लोग पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक तरीके से कराया जाएगा क्वेश्चन। सभी लोग लाइव आ जाइए। आइए देखते हैं ओके दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि चैप्टर जो नाम है वो आपका आयु संबंध है। आयु संबंध आयु संबंध है, एज रिलेशन। चैप्टर जो नाम आपका है एज रिलेशन यानी आयु संबंध, बहुत ही कह सकते हैं आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे आपका एज उसमें एज रीजनिंग में भी एक चैप्टर है एज रिलेशन आयु संबंध। कट रहा है क्या? मैं समझते हैं कि इस टॉपिक को बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले एक बार आप लोग एक बार लाइव जुड़ जाइए, अधिक से अधिक कि वो कंटिन्यू क्लास में जुड़ जाएं और क्लास का लाभ उठाएं। जो भी है क्लास क्या मेन कंसेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे इसका क्या कंसेप्ट वही आपको बताएंगे। बस दो कंसेप्ट इसका है, अगर ये आप कंसेप्ट पकड़ लिए केवल दो इसका मेथड है, अगर ये आप समझ गए तो आप पूरा एज रिलेशन जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टाइप के लगा लेंगे। आइए देखते हैं, इसमें होता है वर्तमान। वर्तमान माने दोस्तों आप लोग जानते होंगे वर्तमान मतलब जो घटना इसमें क्या चल रहा है, जो आपका प्रेजेंट चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान, ठीक है। जो इस समय स्थिति आपकी चल रही है उसे कहते हैं वर्तमान। वर्तमान के बाद क्या होता है दोस्तों? बाद होता है, ठीक है, यानी पश्चात या बाद। अगर कोई माने कोई इंसान या कोई व्यक्ति अगर पहले दिया हो यानी पूर्व में दिया हो तो पूर्व से पहले किस में आएगा? वर्तमान में आएगा, तो प्लस होगा। बड़ी बेसिक तरीके से यूनिक तरीके से आपको बता रहा हूँ, एकदम मान देंगे। पूर्व से तब वर्तमान में आएंगे तो क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। फिर उसमें भी क्या होगा आपका, अगर पूर्व से वर्तमान आएगा तो प्लस और वर्तमान से बाद में आएगा तो प्लस। अब इसी का उल्टा कर देते हैं विलोम, देखिए क्या करेंगे अपोजिट। अगर बाद में दिया कहे कि वर्तमान उसका ज्ञात करें क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस कर देंगे। और वर्तमान से भी पूर्व पूछ रहे, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? हमने दो बात बताई, पूर्व वर्तमान और अगर बाद से, अब उसका अपोजिट करेंगे। अगर बाद से वर्तमान में जाना है तो माइनस करेंगे, वर्तमान से फिर पूर्व जाना है तो माइनस करेंगे। जैसे कह दिया जाए कि 2 साल आज की डेट में आपकी 8 साल एज है, ठीक है। कोई व्यक्ति है उसका आज की डेट में अगर उस 2021 में, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2021 उसकी एज कितनी है, मान लीजिए 10 साल है। कितनी वर्ष है? 10 साल है इसकी उम्र, ठीक है। अब पूछना है इसका 5 साल पहले क्या उम्र होगी, तो 5 साल पहले मैंने क्या बताया? माइनस। वर्तमान से अगर पूर्व में जाना है तो माइनस, तो 10 में से। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, यानी वर्तमान से बाद और वर्तमान से पूर्व, एक तरफ आपका क्या होगा? प्लस होगा। और एक तरफ क्या होगा उसका अपोजिट? माइनस होते करते चले जाएंगे। यही आप नोट करें दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर आप इसे नोट कर लें, बेसिक है। यही आपको पूरी एज रिलेशन पूरी कंसेप्ट क्लियर करा देगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
ठीक है। एक बार आप पूरा इसको क्वेश्चन को जो भी मैंने बना रखा है ग्राफ, इसे आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लें। दिख रहा है आप लोगों तक? देखिए दोस्तों, कल जैसा कि आप लोग को कोई को कमेंट किए थे कि प्रैक्टिस बैच है क्या, ये प्रैक्टिस बैच नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि आपकी जो मैथ चल रही है इंडिविजुअल मैथ है, हाँ टोटल आपका जितने भी वन डे एग्जाम होते हैं हर में आपको ये मैथ काम देगा, ठीक है, यूजफुल है। अच्छे से आप इसे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। 27 या 22 जो भी चैप्टर हैं टोटल आपको पढ़ाए जाएंगे। परसेंटेज से स्टार्ट किया हूँ। आज संडे था तो संडे स्पेशल मैं लेके आया हूँ एज रिलेशन, आयु संबंध, केवल 2 दिन का ये टॉपिक है। आज पढ़ा देते हैं, फिर कुछ बचेगा अगले संडे कवर कर देंगे। तो हमने कहा एज रिलेशन पहले क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे अभी आपको पेपर बचा हुआ NTPC का 5वां फेज है और 4था फेज है, पता हो जाता पेपर। 3 क्वेश्चन फिक्स है NTPC जो भी अभी पेपर हुआ हाल में, आप उसे देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन NTPC उससे एज रिलेशन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन अपना फिक्स कर लीजिए। सूचना आया कि सर दोपहर वाली टाइमिंग चेंज किया जाए, तो चेंज कर दूंगा, इसे तो शाम कर दूंगा तो सुबह को, ठीक है। आइए आप देखते हैं, फिलहाल आज संडे है, कुछ स्पेशल करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कह रखा है कि भर्तियाँ बहुत आएंगी और लगी हुई भी बहुत वैकेंसी लगी हुई हैं, तो आप अपने पूरे जज्बे जुनून के साथ पूरा अपना सिलेबस पढ़ते रहें, आप कंटिन्यू आप एक्टिव होकर रहें। जो भी क्वेश्चन है चाहे मैथ के चाहे रीजनिंग के चाहे GS के, आप उसे कंसेप्ट के साथ पूरा पढ़िए और एक अच्छा नोट्स बनाइए। जो भी पेपर आएगा आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जिसके अंदर जुनून और जज्बा होता है वही कुछ इतिहास रचते हैं दोस्तों। आप लोग को इतिहास रचना है, 1 सीट आपको चाहिए, चाहे जितनी सीट हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसने कहा है कि मंजिल ऊंचाइयों तक बढ़नी है तो मंजिल की जरूरत लिफ्ट की जरूरत नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। ऊंचाई अगर आप पहुँचना है तो लिफ्ट की जरूरत नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाइए, पक्का एक दिन पहुँचेंगे। इसका एग्जाम्पल मतलब ये कहने का है कि एक एक दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है, अपना समय आप वेस्ट न करें, कंटिन्यू जुड़े रहें, कुछ नया सीखते रहें दोस्तों। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए बीच लेके आया हूँ एज रिलेशन का, यानी आयु संबंध। इस अगर ये चैप्टर आप करते हैं, साधारण प्रश्न आप लोग डालिए दोस्तों। साधारण प्रश्न पहला हेडिंग आपका है, साधारण प्रश्न उम्मीद नोट करिए, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर ए और बी की आयु का योग, ए और बी के आयु का योग 22 वर्ष है, यानी 22। ए और बी के आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए कॉमा बी से 4 वर्ष बड़ा हो, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है मैं साधारण प्रश्न अभी करा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने बता रखा है कि आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी शून्य से शिखर भी आपका बेस है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है एज रिलेशन का क्वेश्चन, इसके बाद आपको पहुँचाएंगे हम डायरेक्ट सीजल तक का क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम लोग करेंगे मिलके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने बता रखा है आपको। इसमें देखिए सबसे पहले ए और बी जितने लोग का नाम दिया हो उतने लोगों पर नाम लिख देते हैं। देखिए कहाँ से बनाएंगे एज रिलेशन क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे। ए और बी क्वेश्चन में जिक्र किया है, ए और बी क्वेश्चन में कह रखा है कि ए जो है बी से कितना, 4, यानी बी जो होगा दोस्तों, तो बी को एक्स मान लेते हैं और इसी से बड़ा है कौन, ए कितना 4 वर्ष बड़ा है इससे, +4, तो एक्स +4 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर इसकी उम्र 8 होगी उसी में 4 जोड़ 12 हो गए, तो इसका हमें एज नहीं पता है, अभी एक्स मान लिए हैं तो एक्स में 4 जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि इनका वर्तमान आयु दे रखा है 22 वर्ष, इनका वर्तमान आयु कितनी है 22 वर्ष है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार दोस्तों। बड़े ही धैर्यतापूर्वक आप क्वेश्चन को समझें, इसके बाद कॉपी नोट करें। देखिए +x बराबर कितना 22, x और x दोस्तों 2x, 2x बराबर 22, ये जो 4 है दोस्तों उस पर माने उस तरफ जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर दूंगा, वो अपना कैलकुलेशन फास्ट रखें, गुणा जोड़ घटाना भाग आप अपना कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे, जितना स्ट्रांग होगा उतना ही मैथ आप जल्दी सीख पाएंगे। आइए देखते हैं, तो 22 में 4 गए 18, इधर आपका 2x है, अब 2 से x को काट देंगे तो x बराबर दोस्तों कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो बताइए दोस्तों, इसके बाद आगे चलें। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। एक्स इसके बाद करें, ए कॉमा बी से 4 वर्ष बड़ा है, इसको 4 वर्ष बड़ा करा दिए, एक्स +4 ऐड कर दिए 4 इसमें। प्रश्नानुसार 22 इस 4 को उस तरफ लेते गए, 5 कर दिए, तो सिंबल चेंज, 4 18, 2x बराबर 18, x बराबर। क्वेश्चन पूछा है आपका ए की वर्तमान आय, ए की वर्तमान आयु बराबर, ए की वर्तमान आयु x +4 थी, x +4 कर दीजिए दोस्तों आप। अब x की वैल्यू अभी भी आप निकाले कितना 9, 9 लिख दीजिए, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 3 12 1 13, यानी ये 13 वर्ष का होगा। नोट करें दोस्तों, यही आपका आंसर है, नोट कर लें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अगर कोई सीन कट रहा हो तो आप बताइएगा, ठीक है। आवाज़ क्लियर पहुँच पा रही दोस्तों,
कट तो नहीं रहा, ओके नोट कर लें आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इस तरह कंटिन्यू आप बने रहें। अगर कुछ नहीं, अगर इसी में बी का भी वर्तमान आयु पूछ ले, बी का वर्तमान आयु, बी का वर्तमान आयु, तब बी का पूछ लेगा, कुछ नहीं करना है आपको, एक्स पता है और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 वर्ष आ गई है तो 9 कर दें। यानी बी जो है ये 9 वर्ष का है और ए जो है 13 वर्ष का है, और इन दोनों में देखिए अंतर आपको आ रहा होगा कितने का, 4 वर्ष का रहा होगा। देखिए आप क्या पढ़े, परसेंटेज हमने पढ़ा रखा है, कितनी लेक्चर थी वो सब भूल जाइए आप, आज नए चैप्टर से स्टार्ट करिए, एज रिलेशन यहां से कंसेप्ट क्लियर करिए। जब जागो तब तो अंदर करने कुछ अलग जज्बा और जुनून होता है। लेकिन चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन नोट करें, दूसरा क्वेश्चन इसमें नोट करें, रीता और गीता की दोनों का जो आयु में अंतर है 7 वर्ष का अंतर है, तो गीता को मान लेते हैं यक्ष और रीता को मान लेते हैं यक्ष, क्या है बड़ी है तो यक्ष प्लस 7 कर दिए, यहां यक्ष कर दिए, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7 वर्ष का आ रहा है ना। आगे बढ़े, ठीक है, देखिए इसके दो तरीके से आप लगा सकते हैं, चाहे इस बेसिक से लगाएं, चाहे सेकंड मेथड आपका उससे भी आप लगा सकते हैं। देखिए बहुत लोग कमेंट आएगा दोस्तों, देखिए दो, ठीक है, आपका वैल्यू दे रखा है इसमें, मान लेते हैं यक्स इंटू कितना 2/3, यहाँ पर जो है कितना है दोस्तों यक्स है, यानी गीता की आयु का 3x, यहाँ तो कोई डाउट हो बताइए, 2x और 3x, ठीक है, ये आप यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं, अनुपात, अनुपात का मतलब ही होता है बराबर, ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बराबर, अनुपात मतलब बटे, इन दोनों का अंतर दे रखा है, यानी 3x माइनस 2x बराबर कितना दोस्तों 7, तो x बराबर कितना 7 आ गया। तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए, तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए, देखिए जहां पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए करीम की आयु ज्ञात कीजिए, तो वहां पे इसका मतलब पूछ रहा है वर्तमान, न लिखा हो तो भी वर्तमान आपको बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा ये, देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझिए कैसे इसको लगाएंगे। आपका दो नाम है रहीम और करीम, ठीक है, तो इससे कर देते हैं, दोनों का आयु को वर्तमान आयु को आने के सबसे पहले हम, अगर वर्तमान कोई भी घटना घटी होगी पहले पूर्व घटी होगी फिर वर्तमान, इसके बाद तो बाद आएगी, तो सबसे पहले वर्तमान न लिख के पूर्व में चलते हैं। तो आइए देखते हैं पूर्व में क्या है, कितने वर्ष पूर्व कह रखे हैं, इन दोनों में कितना अंतर है, कह रहे हैं 7 वर्ष का अंतर है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको x प्लस 7, क्योंकि तभी 7 वर्ष क्या होगा दोस्तों अंतर होगा, x प्लस 7 और आपका 7, यही आपका क्या होगा दोस्तों 5 वर्ष पूर्व की यही घटना है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की, 10 वर्ष पूर्व की यही घटना है, तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, यहाँ तो कोई डाउट हो बताइए, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की घटना आपकी यही है, x प्लस 7 और x यानी रहीम और करीम में 7 वर्ष का यानी 7 वर्ष का क्या है दोस्तों अंतर है, यही क्वेश्चन है आपका। अब इसको हम लाएंगे वर्तमान में, क्योंकि अभी जो घटना घटी थी ये 10 वर्ष पहले की थी, अब लाएंगे वर्तमान में, अभी अभी मैंने ग्राफ बनाया था, अगर पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो प्लस होगा, तो 10 वर्ष पहले आना है तो क्या घटना घटेगी, हाँ कितनी हो जाएंगे टोटल, अच्छा टोटल 5 वर्ष का अंतर है दोनों में, राम और रहीम कितने वर्ष का, एक मिनट क्वेश्चन देख रहे हैं आपका, जी 5 वर्ष का अंतर है, तो आप यहाँ 5 कर दीजिए, 5 वर्ष का अंतर है, ठीक है, तो अब वर्तमान आना है, तो वर्तमान आने के लिए इसमें क्या करेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 5 और 10 15 हो जाएगा, और यहाँ आपका x प्लस 10 हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक, हमने नया कुछ नहीं किया है, x प्लस 5 और x आपका क्वेश्चन में कहा था वो ये 10 वर्ष पहले ही घटना है, इसे वर्तमान में लाएंगे, वर्तमान में लाने के लिए जितने वर्ष की पहले की घटना घट रही है उतना वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 में 10 जोड़ देंगे 15, और यहाँ x केवल था इसी में 10 वर्तमान लाएंगे 10 कर दिए x प्लस 10, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़ें।
इसके बाद ये क्वेश्चन में कह रखा है कि इन दोनों का वर्तमान का योग दे रखा है कितना, 65 वर्ष है दोनों का वर्तमान आयु जो है ये 65 वर्ष है। तो यहाँ लिखेंगे ये प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 10 बराबर दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी 65, क्योंकि इन दोनों का वर्तमान आयु भी 65 दिया है। तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा और बराबर 65 और माइनस 15 और 10 कितना दोस्तों 25 हो जाएगा, 15 10 कितना 25 और 65 में से 25 को निकालना कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 65 में से 25 गया 40, तो 2x की वैल्यू 40 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 20 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, कट तो नहीं रहा है, x की जो वैल्यू आपकी आ गई ये 20 आ गई, तब x की वैल्यू आपकी 20 आ गई, तो आप निकाल सकते हैं चाहे रहीम की चाहे करीम की जो भी पूछे वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो लिख ले रहा हूँ यहाँ रहीम की वर्तमान आयु, रहीम की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, अब रहीम की वर्तमान आयु अभी भी मैंने बता रखा है यहाँ से x प्लस 15, तो x प्लस 15 कर दीजिए, x की वैल्यू आपकी आ गई 20 और 20 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 और 15 हो जाएगा आपका 35, यानी रहीम की जो आयु है ये 35 वर्ष है। इसी तरह आपको करीम की अगर आयु पूछेगा वर्तमान, तो आपका वो रहीम का करीम का आ गया है x प्लस 10, x की वैल्यू जो है 20 आ गया और 10 आपका इसमें ऐड कर देंगे टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का अंतर दे रखा है 5 वर्ष। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लें आप लोग, कोई डाउट कंटिन्यू बने रहें, कुछ बेहतरीन आप लोग के लिए क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और आपको कंटिन्यू अगर आप ऐसे बने रहेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। देखिए किसी ने कहा है कि जो लास्ट तक रुकते हैं वही कुछ पाते हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहें ऐसे ही और कुछ नया सीखते रहें। जैसा कि आपको पता है ए रिलेशन टॉपिक चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इससे बनते हैं, पूछे जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो आइए समझते हैं कंसेप्ट क्लियर करते हैं कैसे ए रिलेशन क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस टाइप के इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लें, इसके बाद आगे बढ़ें। 10 वर्ष पूर्व की घटना थी आपकी x प्लस 5 और x, दोनों में अंतर था 5 वर्ष का, दोनों में अंतर दे रखा था 5 वर्ष का, इसको x मान लिया, इसको x प्लस 5 मान लिया। वर्तमान घटना, तो वर्तमान में आएंगे 10 वर्ष पहली घटना थी, अब 10 में जोड़ देंगे। आप ही बताइए कॉमन सेंस की बात है, अगर मान ली इसमें 2021 चल रहा है, ठीक है, सपोज करिए जो कमजोर साथी वो समझे इधर डेमो के तौर पर, ठीक है, 2021 इसमें चला है वर्तमान, यही आपका वर्तमान है, यही आपका वर्तमान है, ठीक है, 2021। अगर इसके 5 साल पहले की घटना पूछी जाए तो 21 में 5 क्या करेंगे घटा देंगे दोस्तों, ठीक है, 21 में 5 को घटाएंगे तभी तो 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, ये आपकी 5 वर्ष पूर्व की घटना हो जाएगी। अब 21 में से 5 जाए कितना आएगा, ये आना इम्पॉर्टेंट है, 21 में से 5 जाएगा कितना आएगा ये आपको इम्पॉर्टेंट है, बताना कितना होगा। मैंने बता रखा था आपको कैलकुलेशन, आप फास्ट करेंगे तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों, गुणा भाग जोड़ घटाना आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, कुछ नया सीखते रहें और पढ़ते रहें दोस्तों, इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, कंटिन्यू आप इसी तरह बने रहें जो भी आपकी क्लास है। आइए देखते हैं, तो मैंने आपको बता रखा था कि 5 वर्ष पहले इसकी घटना अगर पूर्व की पूछे कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए इसमें 21 में से 5 घटा देंगे, ठीक है, 21 में से 5 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 16 वर्ष, यानी उस समय क्या रहा होगा 16 वर्ष का रहा होगा। अगर आज कितने का है, मान लेते हैं ये आज की डेट में 21 वर्ष का है, मान लेते हैं 21 वर्ष, ठीक है, 2021 में मान लेते हैं उसकी उम्र 21 वर्ष की है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी होगी 16 वर्ष होगी, 16 5 21, ठीक है। अगर इसी में पूछ ले आपका कि 10 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद उसकी उम्र कितना होगी, तो 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 31 वर्ष, नोट कर लें, यही मैंने आपको बता रखा है, अगर पूर्व का पूछे तो माइनस व बाद का पूछे तो प्लस, इसी तरह क्वेश्चन को आगे पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नोट करिए, अगला क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग,
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, 60। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन पूछा गया है आरआरसी 2001 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसमें दो लोग का जिक्र किया गया है, पिता और पुत्र। सबसे पहले पिता और पुत्र लिख लेते हैं, पिता और पुत्र, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन का रखा था, दो नाम था पिता और पुत्र, दोनों का हमने नाम लिख दिया, कुछ नहीं किया मैंने। नई बात कह रखे हैं, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु जो 60 वर्ष है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी, 5 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व यानी जो बात हो रही है दोस्तों ये 6 वर्ष पूर्व की हो रही है। 6 वर्ष पूर्व, देखिए पहले की जो भी घटना उसे कल्पना कर सकते हैं, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी, 5 गुनी थी। ठीक है, तो यानी पुत्र जो होगा एक्स होगा, तो पिता कितना होगा दोस्तों, 5x होगा, क्योंकि कह रखे हैं कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। यानी अगर ये पुत्र एक्स वर्ष का होगा तो पिता जो होगा कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा, ये कॉमन सेंस है। गुना 5 गुना कर रखा है तो बस 5 गुना करा दिए, 5x हो गए। इसके बाद क्वेश्चन कर रखे हैं आपके, 5 गुना थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब इसको लाएंगे वर्तमान में, देखिए कोई भी घटना घटेगी सबसे पहले मैंने बता रखा था आपका पूर्व होगा, पूर्व के बाद वर्तमान होगा, वर्तमान के बाद ही आप जाएंगे किसमें, बाद में यानी पश्चात। इसमें करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ 5x प्लस कितना, 6। यहाँ कर देंगे आप x प्लस 6, क्यों, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व की घटना थी, इसमें 6 ऐड कर दिए और 6 इधर ऐड कर दिए, x प्लस 6 और 5x प्लस 6। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार दोस्तों, प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्तमान आयु उनकी दे रखी थी कितनी है, तो वर्तमान आयु टोटल 60 वर्ष है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 60 वर्ष है, तो लिखेंगे 5 वर्ष प्लस 6 और प्लस एक्स प्लस 6 बराबर कितना दोस्तों, 60। यहाँ तक क्लियर है, देखिए इसके बाद 5x और x कितना हो जाएगा दोस्तों, 6x बराबर 60 माइनस 6 और 6 12, तो 60 में से 12 गए दोस्तों कितना, 48। 60 में से 12 गए 48, 6x बराबर 48, तो 6 की x की वैल्यू आ गई 6 8 48, यानी x की वैल्यू जो आ गई आपकी 8 आ गई, क्योंकि 6 से 48 को काट देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, 8 आ गई। इसी तरह पूछा क्या है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु तो आपकी पता हो गई पुत्र की, पुत्र का वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु आपका क्या है, एक्स प्लस 6, इसी में आप ऐड कर देंगे, आपका वैल्यू आ गया 8 और 6 कितना दोस्तों, 14 हो गया। ये 14 वर्ष का है वर्तमान, लेकिन पूछ रहा है पुत्र का 6 वर्ष बाद उम्र क्या होगी, इसी में 6 वर्ष बाद ऐड कर दीजिए, यानी 6 वर्ष बाद बराबर 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष। यही आपका आंसर है, यानी पुत्र की जो 6 वर्ष बाद उम्र होगी वो 20 वर्ष होगी दोस्तों। नोट कर लें, RRC 2001 क्वेश्चन है दोस्तों, RRC 2001 नोट कर लें आप लोग। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा, इस तरह कंटिन्यू आप बने रहें। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, नोट कर लें आप लोग।
नोट कर लें आप लोग। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो आपका उसको देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की तीन गुने से 3 वर्ष अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप समझिएगा। ये आपका SSC 10+2 प्रथम पाली 2002 का क्वेश्चन है। SSC 10+2 2002 प्रथम पाली क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं इसको। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दो गुने से 10 वर्ष अधिक है। 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, अधिक होगी कॉमा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैंने बता रखा है कि दो लोग का इसमें नाम लिया गया है, पिता और पुत्र। यहाँ तो कोई डाउट हो बताइए, दो बस नाम हैं, पिता हैं और पुत्र हैं, दोनों का हमने नाम रख दिया है यहाँ पे पिता और पुत्र। कह रखा है कि पुत्र का आयु अगर x होगा मान लेते हैं, तो पिता जो इनका है पुत्र से 3 गुना और 3 अधिक है, यानी x और 3x+3 3 गुना से 3 अधिक है, यानी 3 गुना तो है ही है और 3 वर्ष अधिक है, तो यानी x का 3x हो जाएगा +3। 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष के बाद यही आपकी वर्तमान घटना है, यही आपकी दोस्तों क्या है वर्तमान घटना है 3x+3, और यहाँ पर क्या है केवल x है, इसी का ये क्या है 3 गुना और +3 अधिक है। कौन? पिता। किससे? पुत्र से। ये कॉमन सेंस वाली बात है, हमेशा पुत्र से बड़ा कौन होगा? पिता होगा। तो उसी तरफ क्या करेंगे, 3x+3 कर दिए। कर रखे हैं क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु को कह रहे हैं यक्स प्लस कितना, 6 वर्ष बाद कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद +3 कर दीजिए, x+3, और इसमें 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, इसे आप नोट कर लें +6, क्योंकि 3 वर्ष बाद आएंगे तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, 3 था 3 ऑलरेडी 3, 6 हो गया, और x प्लस 3। कह रखें आपका कि 3x+6 = x+3 कितना है। यहां देखिए आपका हो जाएगा 3x+6 = 2x+6 और प्लस कितना दोस्तों, 10। ये 2x इस तरफ आएगा, x की वैल्यू x हो जाएगी, यानी 2x, 3x में 2x जाएंगे, x बचेगा, और ये आपका कितना है टोटल 16 हो गया, और 16 में से 6 गया दोस्तों 10, यानी x की जो वैल्यू है ये आपकी कितनी आ गई दोस्तों, 10 आ गई। यहाँ तक तो कोई डाउट हो बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें जो भी समस्या आपको हो। मैंने बताया पिता और पुत्र, इनको x मान लिए, इनको 3x+3, क्वेश्चन में कहा गया है वर्तमान में आयु उनकी यही है कि पुत्र से जो पिता की आयु है 3 गुनी + 3 अधिक है, तो 3x+3 कर दिए, 3 वर्ष बाद जाएंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, और x+3 हो जाएगा। इसके बाद 3x+3 = x+3 कह रखे हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना से 10 अधिक है, तो 2 गुना + 10। जैसे ही इस वाक्य में अगर आप क्वेश्चन पकड़ना है जिस संख्या में या जिस पर्सन में कहा जाए उतने से गुणा कर दें, वही हो
जाएगी। जैसे देखिए क्या रखे थे, पिता की आयु पुत्र की आयु की, यानी पुत्र की तरफ लिखेंगे गुणे दो और प्लस दस। आइए देखते हैं, तो 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 6 प्लस 10, ठीक है। तो 3x 2x तरफ आएगा, पंचांतर हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई अभी कितना 16, 10 6 16 माइनस 6 बराबर 10। अब पूछा क्या है आपको क्वेश्चन में, पूछा है क्वेश्चन जो आपका, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु निकालना है तो आपका क्या है, 3x प्लस 3 है तो लिख दीजिए 3x प्लस 3। अब 3 इंटू एक्स की वैल्यू अभी आप निकालें कितना 10 और प्लस 3, तो 10 यानी 30 और 30 और 3 कितना दोस्तों 33 वर्ष, यानी पिता की जो वर्तमान आयु है ये 33 वर्ष है दोस्तों, 33। नोट कर लें, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके आइए देखते हैं इसके आगे जो भी क्वेश्चन था, यहां तो हो गया इसका। अब अगला हेडिंग डालिए आप लोग, आयु के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, आयु के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, आयु के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला जो हेडिंग है आपका, आयु के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, आयु की योग और अंतर पर, आयु की योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। आयु के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, यही आपकी हेडिंग है। अभी हम लोग क्या पढ़े, केवल साधारण प्रश्न पढ़े हैं। अभी आपका जो हेडिंग है आयु के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, हेडिंग आप नोट कर लें आयु के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। इसमें आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। टाइप नंबर एक, टाइप नंबर एक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला, आयु के योग व अंतर पर आधारित प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन इसका नोट करें, पहला, ए की आयु बी की आयु का, ए की आयु बी की आयु का दो गुना है, ए की आयु बी की आयु का दो गुना है और उनकी आयु का योग, और उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, और उनकी आयु का योग 60 वर्ष है या 60 है, ओके, उनकी आयु का योग 60 है। पूर्व विराम, ए और बी की अलग अलग आयु, ए और बी की अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए, ए और बी की अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने बता रखा है इसमें दो लोग का नाम लिया गया है, ए और बी, ए और बी दो लोग का इसमें नाम लिया गया है। इस क्वेश्चन लगाने के लिए इसमें क्या रखें, ए जो है बी से कितना है, दो गुना है, तो दो एक्स कर दीजिए, क्वेश्चन का रखा है, ठीक है। क्योंकि कह रहा है ए की आयु बी की आयु का दो गुना है, तो ए की आयु बी की आयु का दो गुना, यानी बी अगर एक्स है तो ए कितना हो जाएगा, दो एक्स हो जाएगा। यही किया मैंने, कुछ नहीं किया, उसको दो गुना कर दिया, दो एक्स हो गया। इसके बाद क्या रखें क्वेश्चन में, कि इन दोनों की आयु का जो योग है 60 वर्ष है, यानी 60 है, कितना है 60 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार 2x और प्लस एक्स बराबर दे रखा है 60, इनकी आपस में ऐड कर देंगे 3x बराबर 60, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों ये कितनी आ गई, 20 आ गई। नोट कर लें, x की जो वैल्यू आ गई 20 आ गई, क्योंकि 3 से 60 काटेंगे 20 पर जाएगा, 20 दें 60, यानी x की वैल्यू 20 आ गई। अब जो भी पूछा हो उसको निकाल सकते हैं। तो पूछा है इसमें a और b की अलग अलग आय ज्ञात करें, तो a की आय क्या है आपका 2x कर दीजिए। इसके बाद आपका आ गया है x का वैल्यू 20, तो x बराबर 40 आ गया, यानी जो a की आयु है ये 40 वर्ष है। इसी तरह b की आयु निकाल लेंगे, तो b की आयु x बराबर कितना दोस्तों 20 वर्ष। नोट कर लें, यही आपका क्या है बेसिक है, यानी मेथड नंबर 1। इसका मेथड नंबर 2 अभी आपको दे रहे हैं, उसे अप्लाई करिएगा। ये मेथड 1 है, नोट कर लें मेथड 1। मेथड 1 मैंने बताया कि x a की आयु जो है b की आयु तो कितनी है, दोगुनी है, यानी 2x हो गया। इन दोनों के प्रश्नानुसार इन दोनों का योग जो है 60 दिया है, 3x बराबर 60, x की वैल्यू 20, a की आयु और b की आयु आप निकाल सकते हैं। नोट कर लें, हो गया। आइए देखते हैं आगे, देखिए सेकंड मेथड इसमें देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन मेथड है सेकंड मेथड। अगर ये ना करना हो सेकंड मेथड आप अप्लाई करिएगा, उससे भी आपका आंसर आएगा। देखिए सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड, ए और बी का रेशियो दे रखा है अनुपात 2:1। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं बी से दुगुना कौन है, ए है, तो ये अगर एक होगा तो बी कितना, बी अगर एक होगा तो ए कितना होगा, उसका दुगुना होगा यानी 2 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपाती योग, यहां लिख सकते हैं अनुपाती योग कितना निकल जाएगा, 2 और +1 बराबर कितना 3, यही अनुपाती योग आता है। इन दोनों को आपस में जोड़ दें वही अनुपाती योग होता है। अब पूछे हैं ए की आयु, तो ए की आयु लिखिए, ए की आयु बराबर एक ही आयु जिसकी निकालना है आयु उसका मान ऊपर नीचे दोनों का योग, नीचे दोनों का योग, योग कितना आया है अभी अभी मैंने निकाला 3 आया है, तो नीचे बटे में जो होता है यानी हर के रूप में क्या लिखेंगे, दोनों का योग यानी अनुपाती योग 3, और टोटल आयु दिया, योग दिया है दोनों कितना 60, 3 से निकाल सकते हैं बी का भी, इसी तरह वैल्यू बी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बी की वैल्यू, देखिए बी तो b की आयु कैसे निकलेगा आपका, b की आयु निकालने के लिए मैंने बता रखा है आपका जो b का मान है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 लिखेंगे और बटे कितना दोस्तों 3 लिखेंगे, इनटू कितना 60, कटा देंगे, आंसर आ गया आपका 20 वर्ष। नोट कर लें, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लें 20 वर्ष, कितना 20 वर्ष, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें इसी टाइप में क्वेश्चन और नोट करिए, इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन। ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, ए की जो आयु है ये बी की आयु कितना है 3 गुना है, और उनके आयु का योग 56 वर्ष है यानी 56, और उनके आयु का योग जो है वो 56 वर्ष है, तो प्रत्येक की आयु ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप सॉल्व करिए और जल्द से जल्द इसका देखते हैं कौन आंसर भेजता है कमेंट में, एक बार हम देख लेते हैं कितने लोग आपको जुड़े हैं। जल्द से जल्द इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कितना इसका आंसर आ रहा है।
ओके आइए देखिए, देखिए इसको सॉल्व देखिए, मैंने बता रखा है मेथड नंबर वन से भी देख सकते हैं आप। इसमें दो नाम है आपका ए है और बी। क्वेश्चन में कह रखे हैं ए जो है ये बी से कितना है, तीन गुना है, यानी बी को मान लेंगे एक्स तो ए को मान लेंगे तीन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें, कुछ नहीं करना है, जितने गुना कहे और क्वेश्चन जिस तरफ कहे उतने से उतना क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कह रखा है क्वेश्चन में कि ए जो है बी से तीन गुना है, तो अगर बी एक्स होगा तो ए जो होगा वो तीन एक्स होगा। इसके बाद प्रश्नानुसार इन दोनों का योग दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का योग दिया है, कितना दिया है, तीन एक्स और प्लस एक्स बराबर कितना, छप्पन दिया यानी 56। तीन एक्स और एक्स जोड़ देंगे ये हो जाएगा चार एक्स बराबर छप्पन, चार से काट देंगे छप्पन को, एक्स बराबर 14। यहाँ से समझ में आ गया, एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी 14 आ गई। मैंने कुछ नहीं किया है, तीन एक्स और एक्स में ऐड कर दिया यानी दोनों को जोड़ दिए, चार एक्स बराबर छप्पन, तो एक्स की वैल्यू आ गई 14। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रखे हैं आपकी ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की आयु आपकी हो जाएगी दोस्तों, ए की आयु बराबर कितनी है, तीन एक्स, और तीन एक्स की वैल्यू अभी आया है 14, 14 त्रिक कितना हो जाएगा 42 वर्ष, यानी ए की जो वैल्यू है ये 42 हो गया। और इसी तरह आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की आयु हम निकालेंगे, आपको बी की वैल्यू पता है कितनी है, आपकी बी की वैल्यू एक्स है, तो एक्स बराबर कितना यानी 14 वर्ष। नोट कर लें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, मेथड नंबर वन है। बफरिंग हो रहा है क्या, देखिए ठीक है, नेट की इशू होगी, आप देख लीजिए बफरिंग अगर हो रहा हो तो। ये मेथड नंबर वन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए आप, दो तीन मिनट और कंटिन्यू बने रहें। ये बेसिक है मेथड नंबर वन से, यानी जो ए की वैल्यू आ गई, ए की जो आयु आई है 42 वर्ष और बी की जो आयु आई है 14 वर्ष, और दोनों में अंतर है कितने का, तीन गुना, यानी तीन गुना वो अधिक है कौन, ए बी से। देखिए 42 और 14, 14 त्रिक क्या होता है 42, यानी तीन गुना अधिक है कौन, ए किससे, बी से। देखिए इसमें यही इंपॉर्टेंट है समझना, कौन किससे कहाँ पे अधिक हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, पूर्व की बात हो रही है कि पश्चात की बात हो रही है कि वर्तमान की बात हो रही है। इस तरह क्वेश्चन बनाने के अकॉर्डिंग अगर आप कर सकते हैं, इसका मेथड पूछेंगे या बेसिक कंसेप्ट उसका यही है, सबसे पहले क्वेश्चन को अगर उसमें दिया गया है तो हम पहले पूर्व से बनाना स्टार्ट करेंगे, कोई भी घटना पहले पूर्व में घटी होगी, फिर वर्तमान आएगी, वर्तमान में जितने वर्ष बाद पूछेगा उतना उसमें साल ऐड करके उसका जवाब दे देंगे। यही इसमें मेन कह सकते हैं लॉजिक है, यही लॉजिक आप समझ लेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन इस टाइप के, इस चैप्टर के आप लगा लेंगे। आइए देखते हैं सेकंड मेथड, जो कि इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड होगा। आइए देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, ए है और बी है, जो मेरे कमजोर साथी हैं वो यही मेथड अप्लाई करें। सेकंड मेथड, ए मान लेते हैं कितना, एक, और बी एक मान लेते हैं, और ये कितना मान लेते हैं, तीन, क्योंकि इससे कितना है, ये तीन गुना है, देखिए तीन गुना है कि नहीं, क्योंकि एक ये है तो ये तीन यानी तीन गुना है। इनका अनुपाती योग, मैंने अभी बताया कि अनुपाती योग निकालने के लिए दोनों संख्याओं का योग कर देते हैं, अनुपाती योग आपस में योग कर दें उन्हें अनुपाती योग, तो तीन और एक कितना हो जाएगा दोस्तों, अनुपाती योग चार आ गया, तो अनुपाती योग चार आ गया तो ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ए की आयु निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैंने बता रखा है जिनका वैल्यू निकालना है, जिनका मान निकालना है उसकी जो मान दे रखा है उसे ऊपर रखेंगे, यानी तीन ऊपर रहेगा, तीन ऊपर रख देंगे, और दोनों का अनुपाती योग कितना दोस्तों, चार इंटू टोटल आपका दे रखा है योग कितना, छप्पन वर्ष, तो चार से काट देंगे कितनी बार, 14 चौका 56 और 14 त्रिक 42, यानी 42 वर्ष आ गया ए की आयु। इसी तरह दोस्तों बी की आयु निकाल लेंगे, बी की आयु निकालने के लिए ए ऊपर रहेगा 1 और नीचे क्या रहेगा आपका, दोनों का अनुपाती योग यानी 4 और इंटू कितना, 56, चार से काट देंगे 56 कितना आ गया दोस्तों, 14 वर्ष आ गया।
यानी जो बी की आयु आ गई वो 14 वर्ष आ गई, ए की जो आयु आई है वो आप पे कितनी आएगी दोस्तों 42 वर्ष आई है, नोट कर लें। रेशियो से भी आप लगा सकते हैं, मैंने बता रखा है सेकंड मेथड, आप रेशियो भी मान सकते हैं इसको, रेशियो का अकॉर्डिंग मान सकते हैं, जो कमजोर साथी हो ऐसे भी लगा सकते हैं, ए अनुपाते बी इनका रेशियो मान मान सकते हैं 3:1, और इन्हीं दोनों का योग मैंने निकाला है अभी अनुपाती योग कितना दोस्तों 4, नोट कर लें। ए की आयु और बी की आयु दोनों की आयु आ गई, ठीक है, आप नोट कर लें। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके अगले सेशन में, और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, जैसा कि आप लोगों को पता है आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। आज संडे था स्पेशल, तो हम बोले संडे को आप लोग को ये लेसन कुछ ना कुछ टॉपिक देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं ये लेसन से, तो आप सभी साथियों लोग एक बार वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन जरूर दबाएं। जो नए साथी हैं वो समझ लें कि आप जैसे ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब माने कि उसमें आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे दिवाकर सर इंडिविजुअल मैथ, ठीक है, इंडिविजुअल IND.MATHS इंडिविजुअल मैथ, इसके पहले आप लिखेंगे दिवाकर सर, ओके दोस्तों, इतना लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आप जैसे ही ओपन करेंगे हमारी वीडियो जो भी होगी वो चलने लगेगी, नीचे ही आपका रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहता है, आप नीचे ही देखिएगा रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है सब्सक्राइब, उसे आप जरूर प्रेस करें, जैसे प्रेस करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा उस चैनल को, और उसके बगल में तुरंत आ जाएगी बेल आइकन, बेल आइकन 3 ऑप्शन होता है, ऊपर होता है दोस्तों ऑल, बीच में थर्ड तीसरा ऑप्शन, यानी आपको क्या करना है पहले ऑप्शन पर ऑल पर क्या कर देना है क्लिक कर देना है, तो जैसे ही हम कोई भी लाइव आएंगे सेक्शन लेके आपके लिए बीच में वीडियो लेके आएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगी। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा आज की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंची थी नहीं पहुंची थी, और क्या यहां पे और किया जाए जिससे आप लोग तक बेहतर क्लास पहुंच पाए, आवाज क्लियर पहुंच पा रही थी नहीं, क्या दिक्कत थी, सीन तो नहीं कट रहा था इधर बोर्ड की, जैसा कि आपको पता है डिजिटल बोर्ड नहीं है, जो भी बोर्ड है इसमें हम क्वेश्चन आपको नोट कराते हैं सीट से, इसका उसका सोल्यूशन देते हैं दोस्तों। जैसे कल बहुत लोग कमेंट आ रहा था साथियों का कि क्लास की जो टाइमिंग है सर चेंज किया जाए, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपकी टाइमिंग जो है दोस्तों ये सुबह टाइम किया जाए कि शाम टाइम रख दिया जाए, क्योंकि दोपहर में बहुत साथी हमारे कह रहे हैं सर दोपहर में टाइम नहीं समय हमें मिल पा रहा है तो टाइमिंग चेंज कर दिया जाए, तो आप बताइए कि समय आपका जो दोपहर है ये शाम कर दिया जाए टाइमिंग कि सुबह कर दें। आपके पास ऑप्शन दोनों हैं, पहला ऑप्शन है आप या तो बताइए 9 से 11 AM के बीच में कर दिया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है 7 से 9 PM कर दिया जाए, ठीक है, यही आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कहिए आप पहला कर दिया जाए या दूसरा। दोपहर वाला जो टाइम क्लास चल रही है परसेंटेज जो कि इसमें उसमें पढ़ाया जा रहा है 10वां 11वां लेक्चर होगा कल, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें दोस्तों इसका टाइमिंग जो है सुबह टाइम कर दिया जाए 9 से 11 के बीच में, या 7 से 9 PM यानी शाम को इवनिंग में कर दिया जाए, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, अलग अलग नए तरीके से क्वेश्चन को लेके आएंगे और आप लोगों तक क्वेश्चन वो प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में मेरी बात आ रही होगी, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब कराएं और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आ रहा हो चैनल हमारा और हमारी वीडियो उसे लाइक जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक यहीं, फिर मिलते हैं, ओके दोस्तों, थैंक यू।